राजस्थान में विधानसभा सत्र से पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोले, राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार, गहलोत नहीं पेश कर पाएंगे बहुमत। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच हाईकोर्ट में सुनवाई आज। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर सुनवाई करेगा कोर्ट। बीजेपी और बीएसपी की ओर से दायर की गई है याचिका। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। आज उम्मीदवारों को लेकर मंथन करेगी कांग्रेस। वरिष्ठ नेताओं पर दांव लगा सकती है पार्टी। सूबे में 27 सीटों पर होने हैं चुनाव। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। एलजेपी की बगावत के बाद जेडीयू और बीजेपी के माथे पर आई शिकन। आज जेडीयू और बीजेपी के बीच हो सकती है बात। नीतीश कुमार ने भी सुशील मोदी को किया फोन। सुशांत सिंह केस में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर होगी कोर्ट में सुनवाई। रिया ने केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जांच रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्धसैनिक बलों को लेकर आज होगी महत्वपूर्ण सुनवाई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया था निर्देश, जो जवान दिल्ली से बाहर कार्यरत हैं उन्हें निश्चित समय के बाद दिल्ली स्थित सरकारी आवास करना होगा खाली। हिमाचल में जयराम सरकार की मंत्रिमंडल बैठक आज। राज्य में मंदिरों को खोले जाने पर हो सकता है फैसला। मंदिरों के अलावा कई और अहम मुद्दों पर हो सकता है मंथन। गुजरात में बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों को देखकर जागी रूपाणी सरकार। आज से मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा ₹1,000 का जुर्माना। सीएम विजय रूपाणी ने खुद जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में आवाज से होगी संक्रमण की जांच। कोरेगांव में स्थित नेस्को कोविड सेंटर में होगी जांच की शुरुआत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे बोले, कारगर साबित होगी ये नई टेस्टिंग। मौसम ने बढ़ाई पहाड़ों की परेशानी। उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश से कई रास्ते बंद। केदारनाथ यात्रा में भी लोगों को आ रही है दिक्कत। दिल्ली एनसीआर में भी मंगलवार को बरस सकते हैं बादल।